Students, in the previous chapter, we studied that how the moving charges generate the magnetic field. Alright? But here in this chapter, magnetism and matter. This is our next chapter, magnetism and the matter. We studied the case when any current carrying coil, any current carrying circular loop are generating a magnetic field around it. And that was the other case. But here in this case, we'll study the magnetism in the matter. मतलब कि कैसे किसी भी मैटर में कैसे मैग्नेटिज्म जनरेट होता है, हाँ, कैसे किस तरीके के कौन कौन से टाइप के मटेरियल्स हम आसक खोज पाए हैं जिनमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई गई है, जिनमें जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं और जो उसके अगेंस्ट व्यवहार करते हैं, मतलब बिहेव करते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट हाउ इट इज बिहेविंग. तो इट इज आवर स्टडी. We'll be studying in this chapter that how those matters behave in the presence of external magnetic field. बचपन में हम खेलते थे जब तो एक कभी-कभी है ना दो इस तरीके के मैग्नेट हुआ करते थे, कुछ अट्रैक्ट करते थे, कुछ रिपल करते थे. लेकिन हम सिर्फ उसको देखते थे कि ये हाँ अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपल कर रहा है, ऐसा भी. लेकिन उसके पीछे की जो फिजिक्स है, उसके पीछे जो अंदर चीज क्या हो रही है, ऐसा क्या उसमें चीज है, वो अपन नहीं समझ. तो आज उसको समझेंगे कि ऐसा क्यों होता था उस बचपन में जब हम खेलते थे, तो वो रिपल क्यों करता था, अट्रैक्ट क्यों करता था, उसमें मैग्नेट में ऐसा क्या चीज उसके अंदर ऐसा क्या हो रहा था कि जिसके कारण वो इस टाइप से बिहेव करता था. इस चैप्टर में आप उसको समझेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जब हम सोलेनोइड का केस पढ़ते थे, वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स, है ना, कि नंबर डेंसिटी हुआ करती थी, है ना, तो उस मूविंग कॉइल में तो बहुत सारे सर्कुलर लूप्स जब हम एक साथ किसी भी है ना उसको बाउंड करते थे किसी भी टोरॉइड शेप में या फिर सोलेनोइड शेप में, तो हम उसमें देखते थे. लेकिन हम किसी भी यहाँ पे मैग्नेट को बाहर किसी भी मटेरियल के कारण जो मैग्नेट हमको मिल रहा है, मटेरियल वाला मैग्नेट, तो उसमें उसके अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है ना, तो उसमें हम स्टडी करेंगे. और एक चीज और आप समझ लीजिए कि हम किसी भी यहाँ पे मटेरियल में जिसमें मैग्नेटिज्म है उसको एक सोलेनोइड की एनालॉजी लेंगे, है ना, एक सोलेनोइड की जैसे देखेंगे कि हम ये सपोज करें कि कोई मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. तो जैसे पहले अभी बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में कि जब किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, है ना, तो एक करंट जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, तो दैट एक्ट एज अ सर्कुलर लूप, है ना. तो ऐसे ही एटम में बहुत सारे किसी भी मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होते हैं, उसमें हर एक एटम के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, तो वहां पे करंट जनरेट होता होगा, तो दैट विल एक्ट एज अ सर्कुलर लूप. ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन, है ना, ईच एंड एवरी एटम इन विच इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, दैट विल बिहेव एज अ सर्कुलर लूप. सो इन एनी मटेरियल, इन एनी काइंड ऑफ मटेरियल, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एटम्स. So each and every atom will be have as like a circular loop, and it will be a combination of circular loops. That's like a solenoid. Solenoid में हम circular loops जैसे बनाते थे ना, तो magnet में हम एक suppose कर सकते हैं कि it is an analogy of the solenoid. Solenoid जिसमें number of loops हैं, बहुत सारे number of loops हैं. Clear है? तो यदि हम single loop को लेते हैं, तो उसमें एक north pole एक side और एक side south pole होगा. तो किसी भी material को आप cut करते जाओ. उसमें तो बहुत सारे नंबर ऑफ लूप्स है ना, तो एक सिंगल लूप में जब एक सिंगल लूप की जब हम बात करते हैं, उसको तो हम नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग नहीं कर सकते हो, तो नंबर ऑफ जब एटम्स हैं उस केस में तो इट इज इम्पॉसिबल, है ना. उसमें मतलब कि एक चीज आप ध्यान रखिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक सिक्के के दो पहलू की जैसे, एक हेड और एक टेल, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, है ना, सेपरेट आप नहीं कर सकते हो. क्लियर है बात? तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इस चैप्टर में हम कैसे किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? और ये सब न्यू आइडियाज जो आए वो इस चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे. वहां पे जो हम पहले पढ़ते थे वहां पे करंट के कारण मैग्नेटिज्म फील्ड जनरेट होती थी और उसको हम स्टडी करते थे डिफरेंट केसेस में, कैसा टॉर्क लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा. लेकिन इस केस में हम मटेरियल में मैग्नेटिज्म जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे उसमें हम बात करेंगे आगे, ठीक है.
लेकिन यहाँ पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की पहले प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहां पे हमने देखा कि जो डायपोल्स हुआ करते थे प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, दे वर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, है ना, और हम जब उसमें डायपोल मोमेंट निकालते थे तो उसको पी से डिनोट करते स्मॉल पी, और उसमें बताते थे बीआर इज 2L, है ना, इस तरीके से याद है कुछ। और यहाँ पे हम मैग्नेट, जब मैग्नेट की नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करेंगे, इसकी कुछ इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी और दे आर सेपरेटेड बाय 2L, देन इट इज गिवन बाय m क्रॉस 2L, दिस इज गिवन बाय स्मॉल m, ठीक है, आपकी इच्छा है ना, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है ये आपकी, तो आप इसको इस तरीके से लिख पाते हैं, हां, दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, दिस आर द थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज एन एनालॉजी विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, में जैसे हम पोल्स को पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज स्टडी करते हैं, उसी तरीके से यहां पे भी कुछ पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ऐसे पता कैसे चला कि नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे बार मैग्नेट के चारों तरफ यदि हम स्मॉल स्मॉल आयरन के पीसेस रखते हैं तो दे विल फॉर्म, मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्म करते हैं, मतलब एक इधर नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और यहाँ से फील्ड लाइंस की जैसे आपके सब जो पीसेस रहेंगे स्मॉल स्मॉल पीसेस, वो कुछ इस शेप में आ जाते हैं, है ना, मतलब इस तरीके का शेप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ये रीजन मिलता था और एक ये रीजन, है ना, तो उसको हमने एक पोल का नाम दिया नॉर्थ पोल, एक का पोल नाम, एक दूसरे को नाम दिया साउथ पोल, क्लियर है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, किसी भी मटेरियल से जब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में आप देखेंगे फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में, तो सेकंड रीजन में आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, इसमें फील्ड लाइंस बहुत कम है। सबसे पहले आप समझ लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट या फिर किसी बार मैग्नेट को ले रहे हैं तो हम उसको किससे एनालॉजी दे रहे हैं, सॉलिनॉइड, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड ईच एंड एवरी एटम एक्ट्स एज अ सर्कुलर लूप, सो फॉर्म अ कंटीन्यूअस क्लोज्ड कर्व। ध्यान रखिएगा, जैसे हम उसमें नॉट, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की बात करते थे, तो यहाँ पे यहाँ से फील्ड लाइंस जनरेट होती थी और कहाँ खत्म हो जाती थी, इस माइनस क्यू में क्या होती थी, खत्म हो जाती थी, क्लियर है, ऐसे ही होता था। लेकिन इस केस में आपका जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये कंटिन्यूअस लूप फॉर्म रहेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरीके से, मतलब ये फील्ड लाइन जाके जाके खत्म नहीं हो रही, ये एक सर्कुलर लूप फॉर्म करेगा, ध्यान रखिएगा, किस केस में, मैग्नेट के केस में। तो ये पहले बहुत सपोज किया जाता था, साइंटिस्ट सोचते थे क्या इसका ये, मतलब इसी का एक दूसरा वर्जन है क्या, मतलब जो आपका मैग्नेटिज्म जो हम पढ़ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड डायपोल मोमेंट ये सब पढ़ रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रिक टाइप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते थे, क्या उसी का दूसरा वर्जन है, नो, इट वॉज जनरली यहाँ पे देखा गया कि इट इज नॉट फॉर्मिंग, it is forming circular loop but it is not forming circular loop, matlab these two are different things and they have the different kind of properties, they are not exactly related with each other, there are something which are related to each other, so these are the things which we have understood. Now let us understand our next thing, that is tangent of the field lines at any given point represents the direction of the magnetic field B at that point. यदि हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जो लूप के किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो उसमें एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, क्लियर, जस्ट लाइक हम जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे वैसे ही है यहाँ पे भी, कि एक बात और ध्यान रखिए कि देख दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, यदि ये क्रॉस कर देती है तो उससे क्या होता है, यदि क्रॉस कर देंगे तो इसका एक यूनिट डायरेक्शन नहीं रह जाएगा, समझ गए ना, तो दैट विल नॉट अ यूनिट डायरेक्शन। और एक चीज आप और ध्यान रखिएगा कि द लार्जर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे देखिए इस फर्स्ट रीजन में और सेकंड रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये मैग्नेट के यहाँ पे आप देखिए जितना फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस होगी स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, this reason makes stronger magnitude of magnetic field as compared to first reason. Yes, students, now we have the condition when we have a dipole is placed in an external magnetic field like this. So
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपकी वो ध्यान रखिएगा, नॉट नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म होगा तो अलग केस हो जाएगा वो, ठीक है. नॉन यूनिफॉर्म में आपकी हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल सेम नहीं रहेगी, ठीक है. सो हियर इन दिस केस ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डन बाय प्लेसिंग दिस नीडल. दिस इज स्मॉल कंपास नीडल. सो ऑफ नॉन मैग्नेटिक मोमेंट, इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमको पता है. एंड दिस इज एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका आई है. दिस इज डिफरेंट सिंबल आई हैव यूज्ड आई, अदरवाइज दैट विल बी करंट. आप समझे कि वो यदि मैं ऐसा बना दूंगा तो आप समझेंगे करंट है, ठीक है. इसलिए मैंने ऐसा बनाया है. एंड अलाउइंग इट टू ऑसिलेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ही आप इस नीडल को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, डेफिनेटली आपने पहले भी पढ़ चुका है, इट विल देयर विल बी सम टॉर्क, ठीक है. तो यदि टॉर्क लगेगा तो उसको आपको वैल्यू पता है, दैट इज एम बी साइन थीटा. क्लियर? ऑलराइट. सो दिस इज टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा. इस पर टॉर्क लगेगा, इस नीडल पे टॉर्क लगेगा. एक दोनों टॉर्क कब लगता है, व्हेन देयर आर कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा. लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे जब ये टॉर्क लगेगा इसके बाद तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है. एक रिस्टोरिंग टॉर्क हमको लाना पड़ेगा इसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए. तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ दिस वैल्यू. जो टॉर्क आपका लगा है इस पर, सपोज करके आपका ये जो डाइपोल मोमेंट, इसका जो क्या बोलते हैं, इस कंपास जो आपका नीडल था इस तरीके से शिफ्ट हुआ, तो वापस से लाने में कुछ टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा, है ना. रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसी मैग्नीट्यूड का होना चाहिए आपका. तो दैट बाय द मैकेनिक्स, बाय मैकेनिक्स क्या होता है कि जब आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में सपोज के लिए हुआ, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. तो जब आपका फोर्स लगा के आपने डिस्प्लेसमेंट इधर कराया तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा. क्लियर है? और यदि आपने सपोज के लिए इसी को इधर कराया होता, तो आप यदि इधर डिस्प्लेसमेंट कराया होता, इसको इधर डिस्प्लेसमेंट कराया होता, इधर साइड डिस्प्लेसमेंट होता, तो आपका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. जब आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़ते रहे होंगे, आप ध्यान रखिए करिए उसको, है ना. सो वी हैव दिस बाय द मैकेनिक्स, है ना. दिस इज आई इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू दिस एक्सेलरेशन, ठीक है. सो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर बाय सम एंगल, ऑलराइट. सो माइनस एम बी साइन थीटा. व्हेन यू पुट इट डाउन दैट्स विल बी माइनस एम बी थीटा. हमने थीटा को बहुत लेस सपोज किया है यहाँ पे, थीटा एंगल जो फॉर्म हो रहा है बहुत कम है. सो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा डिवाइड बाय दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आपको पता है टी का वैल्यू क्या होता है, टू पाई बाय ओमेगा. क्लियर? तो ओमेगा की वैल्यू जब आप निकालोगे, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक का केस आपको बन रहा है यहाँ पे कि नहीं बन रहा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यदि ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा mg mb अपॉन i, है ना. तो जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है. सो दिस इज व्हेन यू प्लेस दिस नीडल इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल ऑसिलेट. क्लियर? इट विल हैव अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन. यू कैन सी दिस इक्वेशन फॉर दैट. सो यू हैव गॉट दिस ओमेगा वैल्यू बाय दैट वैल्यू. सो दिस ओमेगा व्हेन यू पुट इट, दिस आई विल शिफ्ट अपर साइड एंड रूट तो लग ही जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से आपने ओमेगा में लाना है आपको. तो ये आपको 2 पाई रूट आई अपॉन 2 पाई. क्लियर? ये इतना क्लियर हो गया आपको. इसी से आप क्या निकाल सकते हो, एक चीज आपका शायद गलत हुआ है, दैट इज आई अपॉन एम बी होगा ना, एम बी. क्लियर है? तो आप यहां से आप जब बी निकालोगे, तो बी आप निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर आई और एम टी स्क्वायर मिल जाएगा. इसको जब सॉल्व करोगे आप तो मिल जाएगा आपको, ठीक है. तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा. आप यहां से एक चीज समझ पा रहे हो कि यदि हमने क्या निकाल लिया, टी आपको पता चल गया, मैग्नेटिक मोमेंट आपको यदि पता है तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू. एंड इस रिलेशन से आप कुछ और समझ पा रहे हो, यदि सपोज करिए कि M1 T1 स्क्वायर, किसी भी हमको दो, सपोज करिए दो हमारे पास गैलोरीमीटर रखे हुए, ठीक है. हमको देखना है कि जो ये जो क्या क्या था अपना, ये था मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू, है ना. दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट, ऑलराइट. सो यदि हमको मैग्नेटिक मोमेंट पता है,
ठीक है, हमारे पास दो सपोज करिए दो गैल्वेनोमीटर्स दिए हैं हमको, दोनों को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हमको, ठीक है, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट हमको दिखाना है कितना डिफरेंस है। तो क्या कर सकते हैं हम, यदि हमको टी वन पता चल जाए, टी टू पता चल जाए, तो हम इजिली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, अपन एम वन और एम टू को भी निकाल सकते हैं यदि किसी एक का भी पता है, ठीक है। तो दोनों का बीच में क्या रिलेशन है, एम वन ज्यादा है कि एम टू ज्यादा है, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे यदि हमको टी वन की वैल्यू पता है, क्लियर है। तो दे आर रिलेटेड टू इच अदर, यदि आप इसको लिखना चाहते हो एम वन अपॉन एम टू लिख दो इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन टी वन का होल स्क्वायर, टी वन टी टू पता कर लो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है, तो आप इजिली इसको कैलकुलेट कर पाओगे, इतना समझ में आ गया आपको। अब चलिए देखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप मैकेनिक्स यूज कर रहे थे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डीटी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप एक चीज और समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा कि किस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल जो है वो मिनिमम होगा और किस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। U is equals to integration of tau theta d theta. Clear? तो आप इसमें वैल्यू रख दो एम बी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो दिस इज वॉट यू हैव गॉट एंड दिस इज माइनस एम वैक्टर डॉट डॉट नहीं क्रॉस बी वैक्टर, सॉरी सॉरी यहां पे साइन का कॉस हो जाएगा ना, यस तब तो आएगा यहां पे डॉट है ना, तो ये साइन का क्या हो गया कॉस माइनस के साथ, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हो ये नेगेटिव जब ये आप जो इसकी आपको जो आपको दिख रहा है ये, तो ये इसका जो मिनिमम एनर्जी होगी जब ये किस साइड अलाइन हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहां पे अभी पोटेंशियल क्या हुआ है नेगेटिव हो गया है, जीरो नहीं हुआ है ध्यान रखिएगा, लेकिन ये कॉस थीटा की वैल्यू जब आप क्या रख रहे हो जीरो, मतलब विच ये आपका जो नीडल है दैट हैज अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज नेगेटिव है ना, यू हैव गॉट पोटेंशियल नेगेटिव ओवर हियर, सो एट व्हाट पॉइंट विल यू गेट योर पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो, मिनिमम कब होगी, मिनिमम तब होगी जब ये आपका 90 डिग्री बनेगा, cos 90 इक्वल्स टू जीरो, सो एट एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यू इक्वल्स टू जीरो, इतना क्लियर। जब आप थीटा 90 डिग्री कर दोगे तब उस केस में मतलब आपका जो ये नीडल है कुछ इस तरीके से होगा, तब परपेंडिकुलर होगा बी के, तो उस केस में आपका ये जो आपका डायपोल मोमेंट दिख रहा है ये परपेंडिकुलर टू बी के, तो आपका क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में जो एंगल यदि कितना बड़ा 90 डिग्री का एम और इसके डायपोल मोमेंट और बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा जी यू जीरो हो जाएगा, यदि यही क्या होता 180 होता एट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो क्या होता है दोस्तों cos 180 क्या होता है माइनस 1, cos 180 इज माइनस 1, तो माइनस 1 से ये क्या हो जाएगा प्लस 1, सो आपको क्या मिल जाता, आपको क्या मिल जाता है यहां पे u इज इक्वल्स टू m डॉट b, m वेक्टर डॉट b वेक्टर पॉजिटिव मिला आपको वैल्यू, मतलब एट 180 डिग्री ऑफ मतलब जब ये डायपोल मोमेंट इस b के साथ 180 का एंगल बनाएगा तो उस केस में यू विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और जीरो कब होगा आपका पोटेंशियल एनर्जी जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, और नेगेटिव कब होगा जब आपका ये कौन सा एंगल बनाएगा जीरो, कौन से वो सॉरी जब ये कौन सा एंगल बनाएगा आपका हाँ जीरो एंगल, तो आपका क्या हो जाएगा ये नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो आप इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट।